नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज के स्टूडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम CS कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से हम करियर इन कॉमर्स के बारे में वीडियोस बना रहे हैं और वो आप तक लेके आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर हमें CS में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि CS में तीन स्टेजेस हैं, तीन स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है तभी हम CS कंप्लीट कर पाते हैं और CS डिग्री ले सकते हैं। वो तीन स्टेजेस हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव स्टेज और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, और प्रोफेशनल प्रोग्राम। वो तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लिया है CS एट अ ग्लांस वीडियो में। आज हम देखेंगे, अगर इन तीनों चीज़ों के लिए, तीनों स्टेजेस के लिए अगर एडमिशन लेना है तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो आज बात करेंगे हम इसके बारे में और वो चीज़ जो हम सोचना चाहते हैं, अगर मुझे एडमिशन लेना है तो क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों से मेरी एक दरख्वास्त है, अभी तक आपने ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर नए हो इस चैनल पे तो मेरा एकेडमिक इंसाइट्स ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप को और आपको अपने आप मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CS फाउंडेशन। वन बाय वन हम जाएंगे, पहले फाउंडेशन के बारे में देखेंगे, बाद में हम सोचेंगे एग्जीक्यूटिव के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे फाइनल के बारे में। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे तीन स्टेजेस है तो तीन स्टेजेस के लिए अलग क्राइटेरिया है। उसके पहले हम सोचेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे CS फाउंडेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे सभी प्यारे दोस्तों की दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि इस प्रकार के जो भी सवाल हैं आपके मन में रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो पूरे के पूरे यहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CS फाउंडेशन। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CS फाउंडेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हमें CS फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेना है तो हमें 10+2 पास होना ज़रूरी है, और 10+2 इसके लिए जो भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, जैसे कि हम बोलते हैं HSC और कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, वो होना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कॉमर्स के ही होने चाहिए, आप आर्ट्स के भी हो सकते हो, साइंस के भी हो सकते हो, कॉमर्स के भी हो सकते हो, कोई भी स्ट्रीम हो, मगर अगर आप फाइन आर्ट्स से हो तो आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो। अगर आप ट्वेल्थ साइंस है ट्वेल्थ कॉमर्स है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप CS फाउंडेशन के लिए एडमिशन ले सकते हो। मगर अगर आप फाइन आर्ट्स से आपने ट्वेल्थ किया है तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है, आपका जो डिग्री है वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एनी अदर एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग फाइन आर्ट्स होना ज़रूरी है। तो ये है CS फाउंडेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक CS एग्जीक्यूटिव के लिए। जो लोग फाउंडेशन पास करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव में एडमिशन मिल पाता है, उनके अलावा अगर वहाँ पे एडमिशन लेना है तो क्या है क्राइटेरिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हमें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना है तो हम किसी भी फैकल्टी से ग्रेजुएट हो तो चलेगा, एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स। अगर हमने फाइन आर्ट्स से हमारा ग्रेजुएशन किया है तो हमें CS एग्जीक्यूटिव के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। फाइन आर्ट्स आर नॉट अलाउड, कैंडिडेट्स फ्रॉम फाइन आर्ट्स आर नॉट अलाउड, याद रखो। और यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो हमें एग्जीक्यूटिव के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, और अगर हमने CS फाउंडेशन क्लियर किया है तो भी हमें एडमिशन मिल सकता है। तो ये है CS एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जाते हैं और देखते हैं CS फाइनल प्रोफेशनल के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मुझे CS फाइनल, और जिसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं, वहाँ पर एडमिशन लेना है तो क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो लोग एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हैं, जो लोग CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हैं उनको ही प्रोफेशनल में एडमिशन मिल सकता है, जिन्होंने CS एग्जीक्यूटिव कंप्लीट नहीं किया है उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखना है एक बात, अगर CS प्रोफेशनल में मुझे एडमिशन लेना है
तो मुझे सी एस एग्जीक्यूटिव पास करना होगा, तभी जाके मुझे सी एस प्रोफेशनल में एडमिशन मिल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा सी एस के जो भी स्टेजेस हैं, जैसे कि फाउंडेशन है, एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है, उन तीनों में अगर हमें एडमिशन लेना है तो हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है और वो हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। आज हमने बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में यहाँ पे जो शेयर बटन दिख रहा है उसको भी शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके दोस्तों को शेयर करना है, आपके रिलेटिव्स को शेयर करना है, ताकि इस प्रकार के आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस को हम और भी बेहतरीन बना सके। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में देखेंगे हम कुछ नई बात। तब तक के लिए धन्यवाद।